नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वन स्कूल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने एक एंड्रॉयड डिवाइस में किसी भी रार फाइल को या जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर उसको ओपन कर सकते हैं, वो भी किसी भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉलेशन के बिना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद जो उसकी होम स्क्रीन होती है, उस पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अचीव करके, तो अचीव्स को आपको ओपन करना है। मैं आपको बता दूं कि जो अचीव करके मिल रहा है आपको एक ऑप्शन, उसमें आपके फ़ोन में जितनी भी जो भी रार फाइल से फाइल या जार फाइल अवेलेबल होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाती हैं। अब देखिए, मेरे को यहाँ पे एक सबसे पहली एक फाइल है जिप में यूट्यूब करके, तो मैं इसी को आज यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा या उसको ओपन करके दिखाऊंगा। आपको सिंपली करना ये है कि आपको इस पर क्लिक कर रखना है। क्लिक करके आपको यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपका आता है एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन। आपको इस एक्सट्रैक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक्सट्रैक्ट ये करेंट फोल्डर में करनी है या फिर आपको ये सिलेक्ट किसी और पर्टिकुलर फोल्डर में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर किसी एक अलग से फोल्डर में करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस फोल्डर का नाम एक्सट्रैक्ट डाटा। तो ये हमने एक फोल्डर बना लिया है और अब हम इसको ओपन करेंगे, और देन इसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट हेयर का हमें एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डाटा है वो एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो चुका है, जैसे आप देख ही पा रहे हो। तो आइए अब उसको देखते हैं। फिर से आपको अगेन अपने फ़ोन स्टोरेज में जाना है, और फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट डाटा वाला जो आपका फोल्डर है इसमें जाना है। अब देखिए, जो हमारा वहाँ पे जिप फाइल था उसी का एक फोल्डर यहाँ पे बन के आ गया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो जो भी हमारा उस एक्सट्रैक्ट फाइल का डाटा था वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और अब हम इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं।